बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड की रसमलाई, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर 6 ब्रेड ली हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा खोआ ली हूँ। 1/2 लीटर दूध को हमने गाढ़ा करके खोआ बनाया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चीनी ली हूँ। यहाँ पर मैं कुछ ड्राई फ्रूट ली हूँ, थोड़ा सा बादाम कतरन है, थोड़ा सा काजू कतरन है और थोड़ी सी किशमिश है। ब्रेड की रसमलाई बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 लीटर दूध ली हूँ। इसे हमने गैस पर चढ़ा दिया है। दूध को हमें हाई फ्लेम पर उबाल लेना है। दूध में हमारा उबाल आ चुका है, अब इसे गाढ़ा कर लेना है। इसे हमें दूध को 1/2 लीटर कर लेना है गाढ़ा कर। दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, ये देखिए। दूध को हमें लगातार चलाते रहना है। जो साइड में मलाई जम जा रही है उसको हमें स्पून की मदद से इसके दूध में मिलाते जाना है। अब यहीं पर मैं चीनी डालूंगी। आप जितना मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। अब यहीं पर मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालूंगी। अब सभी को हम मिक्स कर देंगे। अब हमें दूध को लगातार चलाते रहना है। अब हमें 1 लीटर दूध को 1/4 कर लेना है, इसे गाढ़ा कर लेना है। अब हमें दूध को लगातार चलाते रहना है, नहीं तो दूध जो है हमारे तले में लग सकता है। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। लो फ्लेम पर इसे हमें और थोड़ा गाढ़ा कर लेना है। इसे 1 लीटर का दूध का 1/4 हमें कर लेना है। दूध जो हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, ये देखिए, 1 लीटर का 1/4 भाग हो चुका है। अब यहीं पर मैं इलायची पाउडर डालूंगी। आप इसे लगातार चलाते रहें, ये तो दूध जो है हमारे तले में लग सकता है। अब हम गैस को बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि मलाई जो हमारी ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। जब तक हमारी मलाई ठंडी हो रही है तब तक हम ब्रेड की कटिंग कर ले रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक स्टील का गिलास ली हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमें सभी ब्रेड को कटिंग कर लेना है। यहाँ पर हमने सभी ब्रेड की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर खोआ डालूंगी। इस तरह से इसको चपटा कर देंगे। अब इसके हमें सेंटर में लगाना है। यहीं पर मैं थोड़ा सा किशमिश डालूंगी। अब यहाँ पर मैं किनारे में दूध लगाऊंगी। ब्रेड को हमें इस पर चिपका देना है, इस तरह से दबा देना है। अब इसी तरह बाकी सभी को भी हम कर लेंगे। सभी ब्रेड को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब एक एक करके हम रसमलाई मलाई में डालेंगे इसे, इस तरह से। दोनों साइड से हमें मलाई में डुबो देना है।
प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से बाकी सभी को हमें रसमलाई में डुबा लेना है। सभी ब्रेड को हमने रसमलाई में डुबा कर निकाल लिया है। ध्यान रहे कि मलाई हमारी ज़्यादा गर्म ना हो, नहीं तो हमारे ब्रेड जो है टूट जाएंगे। अब इसके ऊपर मैं मलाई डालूंगी। ब्रेड की रसमलाई हमारी बनकर तैयार है। यह बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी इसे एक बार ट्राई अवश्य कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप देखते रहें मीना की रसोई।